हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। धमकाया जाता है तो आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें।
मुझे भी खड़े होना है और कायदे मोहतरम को भी खड़े होना है। क्योंकि आप लोग क्यों जरूरी है कायदे मोहतरम, ये इसलिए जरूरी है कि जो ये आपसे एक नजरिए के रिश्ते में जुड़े हैं, मेरा आपसे खून का रिश्ता है, मगर मेरा आपसे एक नज़रियाती रिश्ता भी है। और ये जिस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं वो नज़रिया नवाज शरीफ है, और ये नज़रिया नवाज शरीफ को घर घर पहुंचाने में जितना कलीदी किरदार इस सोशल मीडिया ने अदा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। नजरिए पे चलने वाले लोग हैं। और जरा मुझे बताओ, वालिद के कदम से कदम मिला। और मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सोशल मीडिया के शेरों, मुझे ये बताओ कि नजरिया नवाज शरीफ क्या है। नजरिया नवाज शरीफ ये है, पूछने वालों को बता दो कि नजरिया नवाज शरीफ ये है जिसके मैसेंजर आप हो, कि जमहूरियत में मिलावट नहीं हो सकती, जमहूरियत में कठपुतलियां और अंपायर की उंगलियों पे नाचने वाले नहीं हो सकते। नजरिया जमहूरियत में नजरिया जरूरत नहीं हो सकता। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। और जिसको आप प्लस करें, जिसको अवाम प्लस कर दें, बेटा बाद में, जिसको अवाम प्लस कर दें, जिसको बार बार अवाम प्लस कर दें, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। नजरिया नवाज शरीफ ये है कि अगर बाकी इदारों की इज्जत है, होनी चाहिए, मगर मुंतखब वजीर आजम की इज्जत भी होनी चाहिए, करोड़ों वोट लेके आने वाले की इज्जत भी होनी चाहिए, क्योंकि मुंतखब वजीर आजम पे हमला, मुंतखब वजीर आजम पर हमला एक शख्स पे हमला नहीं होता, ये हर उस शख्स पे हमला होता है जिसने वोट दिया होता है। और ये भी सुन लो कि नवाज शरीफ पे हमले क्यों होते हैं, नवाज शरीफ पे हमले क्यों होते हैं, क्योंकि वो भी एक नजरिए के साथ खड़ा है। नवाज शरीफ के लिए भी सुनो, नवाज शरीफ के लिए भी आसान रास्ता था, नवाज शरीफ के लिए भी आसान रास्ता था। सबके सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता होता है और एक सही रास्ता होता है। नवाज शरीफ पर मुश्किलें इसलिए आई कि उन्होंने आसान रास्ते के ऊपर सही रास्ते को तरजीह दी। मियां साहब, कायदे मोहतरम,
साहब आपसे ज्यादा और कौन जानता है कि हक को हक कहने की, ना इंसाफी को ना इंसाफी कहने की, गलत को गलत कहने की बहादुरी की कीमत क्या होती है। आपने बार बार ये कीमत अदा की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा कहने की कीमत क्या होती है, ओवर माई डेड बॉडी कहने की कीमत क्या होती है। और ये हिम्मत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है कायदे मोहतरम, गलत को गलत कहने की, सही को सही कहने की, ना इंसाफी को ना इंसाफी कहने की, जुल्म की को जुल्म कहने की, ये हर किसी में नहीं होती। अल्लाह ताला हर किसी को ये क्वालिटी नहीं देता। कोई इस्तेमाल हो रहा है और कोई इस्तेमाल कर रहा है, मगर एक शख्स है जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर आजमाइशों के बावजूद, तमाम तर सख्तियों के बावजूद आज आपके लिए डट के खड़ा है। कौन है वो शख्स? जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं, बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं, उन पे तकलीफें आती हैं, आजमाइशें भी आती हैं, मगर चली जाती हैं। लेकिन कायदे मोहतरम, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जब जब आप पर आजमाइश आई, जब जब आप पर मुश्किल आई, आप उसमें से कुंदन बन के निकले और मुझे ये बात कहने में खुशी महसूस होती है कि अपने ऊपर आने वाली हर तकलीफ को, अपनी हर स्ट्रगल को, अपने और अपने खानदान पे आने वाली हर मुसीबत को उन्होंने आवाम के, उसके सम्राट जो है वो आवाम को मिले। 99 कू हुआ जब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद मैं आई विटनेस हूँ। मैं वहाँ अदालतों में भी होती थी, मैं वहाँ सड़कों पर भी होती थी, मैं जेलों में भी आपके पास आया करती थी। मैं इस बात की गवाह हूँ जिस दिन आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, मैं भी उस दिन अदालत में मौजूद थी और मैंने जज को एक आवाज़ गूंजी पूरी अदालत में, कई सौ लोग थे उस अदालत में। और जब जज साहब ने फैसला सुनाया उम्र कैद का, तो मियाँ साहब मेरे पीछे खड़े थे। मैंने आवाज़ लगाई अदालत में कि अल्लाह ताला का खौफ करो, तुमने एक बेगुनाह को सजा दी है। तो आपकी वो जो जिद्दोजहद थी, 7 साल की जलावतनी, आपको हथकड़ियाँ भी लगीं, आपके ऊपर मुकदमात भी चले, आपको अटक किले में भी रखा गया, मगर उसका समर अवाम को क्या मिला? उसका समर अवाम को जमहूरियत के तसलसल के उसका समर मिला अवाम को। और इसी तरह जब 2008 में आप वापस आए, आपने कौम से एक वादा किया कि मैं अदलिया को बहाल कराऊंगा, आपने अपनी हुकूमत गवा दी, गवर्नर राज लगवा दिया, मगर आपने कौम से किया हुआ वादा पूरा किया। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 2013 का इलेक्शन हुआ और कौम ने आपको एक बार फिर प्लस कर दिया, तो आपने पहली बार
پہلی بار جمہوریت پہ شب خون مارنے والے مشرف کے خلاف مقدمہ بنایا. آپ نے پہلی مرتبہ اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کا ثمر قوم کو یہ ملا. ہاں آپ کے خلاف دھرنے بھی ہوئے, آپ کے خلاف لاک ڈاؤن بھی ہوئے, آپ کے خلاف ڈان لیکس بھی ہوئی, آپ کے خلاف پینما بھی ہوا, مگر آپ جھکے نہیں. آج اس کا ثمر یہ ہے کہ اس کی اربوں روپے کے بنائے ہوئے محلات جو پاکستان میں ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اب آئین توڑنے والوں کو, منتخب حکومتوں کے تختے الٹنے والے عاملوں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. اسی جد و جہد کا ثمر ہے کہ عوامی نمائندوں کو جلا وطن کرنے والا آج خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. اسی طرح اب جب 2013 کے بعد آپ نے 4 سال سر پھینک کر قوم کی خدمت کی, اس کے بعد آپ کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے, پینما کا ڈرامہ رچایا گیا, اقامہ کا ڈرامہ رچایا گیا, اس کے بعد نیب کے مقدمات بنائے گئے, تو آپ کے سامنے بہت اچھا راستہ تھا. آپ بھی چپ کر کے ڈر کے گھر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی میرے مقدمات ختم کر دو, میں گھر پہ بیٹھا ہوں, میں آرام سے بیٹھا ہوں. یہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بزدلی کو پولیٹیکل کریکٹنیس کے پیچھے چھپاتے ہیں, مگر آپ نے آسان راستہ نہیں اپنایا. اب اس میں سے, اس جد و جہد میں سے انشاءاللہ, جیسے باقی جد و جہد کے ثمرات کبھی ایک تحفے کی صورت میں, کبھی جمہوریت کی صورت میں, کبھی عدلیہ کی بحالی کی صورت میں قوم کو ملے ہیں, تو قائد محترم اب جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں اس کے بھی انشاءاللہ جو ثمرات ہیں وہ قوم کو عدل کی بحالی کی صورت میں ملیں گے. کہتے ہیں کہ جب خود پہ مشکل آئی سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب, تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. اور اب آخری بات سنیں میری, آخری بات پھر میں قائد محترم کو دعوت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اب خود پہ پڑی تو آپ کو عدل یاد آ گیا. خود پہ پڑتی ہے, صحیح بات ہے, جب دل پہ چوٹ لگتی ہے, جب خود پہ پڑتی ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی تکلیف نظر آتی ہے, ورنہ زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جب خود پہ پڑتی ہے تو جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں. جان بچانا پہلا ہیومن انسٹنکٹ ہوتا ہے انسان کا, لیکن قائد محترم یہ بات ماننی پڑے گی, اور اس بات میں انشاءاللہ یہ سب آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی, اپنے خاندان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عوام کے لیے عدل کی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے. اب بھی ایسا ہی لمحہ ہے دوستو, بھائیوں بہنوں, اب بھی ایسا ہی لمحہ ہے. ہم نے اسی پاکستان میں رہنا ہے, اسی میں ہم پیدا ہوئے, اسی میں پلے بڑھے, اسی مٹی میں ہم کو واپس جانا ہے, تو قائد محترم کا ساتھ دینا ہے کہ وہ آپ کو ایسا پاکستان دے کے جائیں جس میں عدل اور انصاف سے فیصلے ہوتے ہوں. تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ نظریہ نواز شریف کی حفاظت کرو گے, جمہوریت کی حفاظت کرو گے, غلط کو غلط کہو گے, صحیح کو صحیح کہو گے, اپنے ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرو گے.
अपने वोट की हिफाजत करोगे, अपने वोटों से मुंतखब होने वाले वजीर आजम के तकद्दस की हिफाजत करोगे। अदल और इंसाफ की इस स्ट्रगल में, अदल और इंसाफ की इस तहरीक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दोगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।